हेलो देवन, मैं रमन कुमार रजक स्वागत करता हूँ सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है एसक्यूएल नंबर 11, जिसकी रिलीजिंग डेट है 22/5/2023। सबसे पहले जानते हैं इसका सब्जेक्ट क्या है। तो इसका जो सब्जेक्ट है एसक्यूएल का, वो है 2000 के जो बैंक नोट्स हैं उनको अब विड्रॉल कर दिया गया है सर्कुलेशन में। इसका सिंपल सा क्या मीनिंग था कि जो 2000 का जो नोट है, इसका जो सर्कुलेशन है, सर्कुलेशन का मतलब है कि आरबीआई आपको प्रोवाइड करवाती थी 2000 के नोट्स बैंक्स को। बैंक्स के अलावा ये फिर अलग अलग जगह पर जाते थे, मार्केट में फेंकते थे। अब इसके सर्कुलेशन को बंद किया गया है, तो आरबीआई ने कहा है कि आपके जितने भी नोट्स आपके पास में है वो वापस हम लोगों को दे दिया जाए, यानी कि अब ये बंद हो गए थे ये मान के चले आप लोग उसको। तो इस एसबी ऑर्डर नंबर में क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि हम लोगों को क्या ऑर्डर लेते हैं। तो आरबीआई ने एक प्रेस रिलीज की थी 19 मार्च 2023 को, और उसमें कहा था कि क्लीन नोट पॉलिसी के तहत हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि जो 2000 के जो नोट्स हैं उनका चलन अब बंद हो जाएगा, लेकिन लीगल टेंडर के लिए ये अभी भी लीगल रहेंगे। लीगल टेंडर्स के लिए ये नोट चलन में रहेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इसमें क्या है, नेक्स्ट में है कि 2000 के जो बैंक नोट्स हैं वो अब एक्सचेंज नहीं होंगे, ना तो वो पोस्ट ऑफिस में, ना ही अदर किसी ऑफिस में कैश हैंडलिंग के लिए। एक्सचेंज का क्या मतलब है, एक्सचेंज का मतलब है कि कोई 2000 के नोट लेकर के पोस्ट ऑफिस में आता है और वो चाहे कि पोस्ट ऑफिस जैसे 500 के चार नोट्स दे, जैसे पहले चेंज हो रहे थे वैसे एक्सचेंज होता है, तो ये पॉसिबल नहीं है, ध्यान रखेंगे। दूसरा, ये भी इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि पोस्टल ट्रांजेक्शन के लिए 2000 के नोट है वो अब नहीं लिए जाएंगे, यानी कि कस्टमर अगर डायरेक्ट देता है पोस्ट ऑफिस में आके, कोई जमा करता है या कोई बुकिंग करवाता है, रजिस्टर्ड पार्सल है या स्पीड पोस्ट है, कुछ भी करवाता है, तो इसके लिए पोस्टल ट्रांजेक्शन के लिए ये अलाउ नहीं थे, इस बात के लिए ध्यान रखेंगे। आपके साथ में अगर कोई पोस्ट ऑफिस के सेविंग बैंक अकाउंट में इनको जमा करता है और उस व्यक्ति की केवाईसी कंप्लीट है तो वो जमा कर लिए जाते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। उसके बाद में क्या था कि 2000 में नोट बंद कर दिए गए थे, साथ के साथ में जो एटीएम में जो कैश है वहां पर भी 2000 के बैंक नोट्स नहीं डाले जाएंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। इनके एटीएम में आप लोग 2000 के नोट नहीं ले सकते थे, इस बात का ध्यान रखेंगे। आपके साथ में कई एटीएम्स में कैश भी जमा कराते हैं, तो वहां पर भी आप लोग 2000 के नोट जमा नहीं कर सकते थे, इस बात का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, और क्या इंस्ट्रक्शंस आप लोगों को मिले थे कि जो पोस्ट ऑफिस है या यूनिट्स है उनकी, वो जो 2000 के बैंक नोट्स है वो डेली बेसिस पर वहां पर जमा कराएंगे, यानी कि पोस्ट ऑफिस में अगर कोई 2000 के नोट कितने भी आते हैं, कितने भी आए, उन सभी को सेम डे जो बैंक है जिसमें इस पोस्ट ऑफिस का खाता खुला हुआ है वहां पर जा करके वो जमा कराने होते थे, इस बात का ध्यान रखें। यानी कि पोस्ट ऑफिस अपने पास में नहीं रख सकती थी 2000 के नोट्स पर। साथ के साथ में जो एटीएम फिशोर्स है, एटीएम फिशोर्स मतलब होता है कि आप लोग इस तरीके से समझे कि हमारे पास में कोई हैवी वर्कलोड है, हमारी हेल्प के लिए कुछ लोग बिठाए जाते थे, कुछ लोग बिठाए जाते थे, और उनमें ये भी बताया गया था उनको, एक प्रेस रिलीज की गई थी इससे संबंधित, कि वो लोग भी इसमें कोऑपरेट करेंगे। आपके साथ में ये जो काम है, यानी कि जो बैंक में या पोस्ट ऑफिस में जो 2000 के नोट जमा कराने थे उसकी जो डेट्स थी वो 2 सितंबर 2023 निश्चित की गई थी। तो हालांकि आज भी 2000 के जो नोट है वो आरबीआई उनको चेंज कर रही है, लेकिन इसके लिए आपको एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को फॉलो करना होगा आज भी, यानी कि ऐसा नहीं है कि 30 सितंबर तक ही जमा होते, आज भी है, लेकिन उसके लिए क्या करना है, आपको डायरेक्ट आरबीआई में पैसे जमा कराने होंगे और उसका जो प्रोसीजर है वो फॉलो करना होगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो के प्रोग्राम में एंड ये है, इस वीडियो का धन्यवाद।